मम्मा जल्दी करो। अरे हाँ, पहले तुम यूनिफॉर्म तो चेंज करो जाके। हाँ हाँ रेडी हो रही हूँ, दो मिनट। हाँ हाँ आयु, आज चिंता मत कर, टाइम पर ही आऊंगी। हेलो अनु, सो मैं तुझे एक लिंक भेजा है ना, क्लिक ऑन द लिंक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्या तूने यूट्यूब चैनल खोला? अरे हाँ, मैंने खुद एडिट भी किया है। कैसे, तुझे कब से एडिटिंग आने लगी? ऐसे तो जानती है, मैं कब से एक ऐसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढ रही थी जो इजी टू यूज भी और पॉपुलर भी हो, और मुझे वो फाइनली मिल गया। उसका नाम है वंडर शेफ फिल्म मोरा। अरे यार इतना अच्छा है, इट्स लिटरली परफेक्ट फॉर बिगिनर्स लाइक मी एंड एक्सपीरियंस एडिटर्स के लिए भी। ऐसे प्रीसेट टेम्पलेट्स भी, जैसे कि फिल्टर्स, ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स एंड रॉयल्टी फ्री म्यूजिक भी है, तो उससे कॉपीराइट क्लेम भी अवॉइड हो जाता है। अरे भाई मैं तो लिटरली बस 10 मिनट में वीडियो एडिट कर लिया, इतना आसान है यूज करना। वंडर शेफ फिल्मोरा में कई सारे कूल फीचर्स हैं, जैसे कि इंस्टेंट मोड, ऑटो रीफ्रेम, ऑटो बीट सिंक एंड स्पीड रैंपिंग। एंड इनमें से मेरे फेवरेट फीचर्स तो इसका कलर ग्रेडिंग है एंड मास्किंग। आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा अच्छा है ये वंडर शेफ फिल्मोरा, एक ही क्लिक में सब चीजें हो जाती हैं। सो गाइज ये देखो, ये है रॉ क्लिप एंड अभी इसमें मैं स्पीड रैंपिंग फीचर ट्राई आउट करके आपको दिखाती हूँ। सो पहले हम क्लिप पे राइट क्लिक करेंगे एंड स्पीड रैंपिंग सिलेक्ट करेंगे एंड आप देख सकते हो अब इसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, अब स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख ही सकते हो इसके रिजल्ट्स कितने ज्यादा अच्छे आए हैं। तब तो यार ये तो एकदम बढ़िया है, मैं तो अभी अभी डाउनलोड करूंगी इसे। अच्छा वैसे अगर तेरे को भी लेना है ना तो तुझे लो प्राइस में मिल जाएगा। अभी कुछ 25 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक ना ब्लैक फ्राइडे सेल है, तो इसे तुझे ना 43% ऑफ मिल जाएगा। वेरी कूल यार, लेकिन अभी सुन ना यार, लेट नहीं होना है, अभी मैं कपड़ा फटाफट बदलती हूँ, नीचे आती हूँ, तू भी आ जाना, लेट नहीं होना स्कूल के लिए। ओ अच्छा ठीक है, बाय। ओ गाइस अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वंडर शेफ इन मोरा सॉफ्टवेयर का, सो आज ही डाउनलोड कीजिए। मम्मा मम्मा जल्दी जल्दी दो, लेट हो रहा है। हाँ ये लो, हो गया, और इसमें तुम्हारा फेवरेट पास्ता दिया है तो अच्छे से खा लेना, ठीक है? ठीक है मम्मा, बाय। बाय बेटा। वॉकिंग डिस्टेंस में ना तो कितना अच्छा है, आराम से पहुंच जाते हैं। हाँ मॉर्निंग वॉक भी जाता है। हाँ आज तो थर्सडे भी है, कितने सारे फ्री लेक्चर्स है ना। कुछ स्पेशल शिट यार, आज तो रिया का वो ट्रीट था ना आफ्टर स्कूल। ओ हाँ यार, मैं मम्मा को बताना बोल, तूने तो अपनी मम्मा को बताया है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, तेरी मम्मा मेरी मम्मा को बता देंगी। अरे नहीं यार, मैं भी तो बताना भूल गया, अभी तो याद आया। कोई नहीं, हम लोग जब घर पहुंच जाएंगे ना तब मम्मा को बता देंगे। हाँ चल अभी चलते, मैं ना स्कूल के लेट हो जाएंगे। कूल ठीक है। कहाँ गई ये लड़की, अभी तक तो रोज आ जाती थी, 7 बजने को आया, स्कूल तो 4 बजे ही छूट जाता है। किसको फोन करूं, कैसे पता चलेगा। कितना अच्छा गया आज तो थर्सडे था ना, इतने सारे फ्री लेक्चर्स थे ना, बहुत ही अच्छा गया दिन। वो सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि कहाँ थी इतना देर तक। अरे हाँ मम्मा, मैं आपको बताना ही भूल गई, आज रिया का बर्थडे था ना, उसी का पार्टी था आफ्टर स्कूल, तो उसी के लिए चली गई। मैं, आयु, मानसी और बहुत सारे लोग गए थे, बहुत मजा आया था। आपको पता है चॉकलेट केक ना जो यम्मी था ना, मजा ही आ गया। हम लोग डांस वांस भी किए, बहुत मस्त पार्टी थी। बर्थडे मना रही हो बिना बताए, और मैं यहाँ परेशान हूँ कि कहाँ चली गई, 4 बजे स्कूल खत्म होता और 7 बजने को आए। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं घर पे नहीं बताई और बिना पूछे ही चल दी। नहीं नहीं मम्मा, सॉरी मैं यस्टरडे बताने वाली थी आपको, लेकिन मैं पढ़ रही थी ना इसलिए। चलो अभी जाओ, जल्दी चेंज करो, तुमको मैं बताती हूँ, तुम अपने मन की हो गई हो ना। सॉरी मम्मा। चलो जाओ अभी चेंज करो। ये लड़की अपने मन की हो गई है, सोचो बिना बताए हुए बर्थडे मनाने चली जा रही है और मैं यहाँ टेंशन में पड़ी हूँ। अरे अनु ये लो टिफिन अपना, और पता है ना
टाइम से आ जाना, कहीं इधर उधर मत जाना। नहीं तो याद है ना कल की हालत। बाय मम्मा। बाय। और सुनो, टिफिन पूरा अच्छे से खा लेना, ठीक है? और टाइम से आ जाना। ठीक है मम्मा। टाइम पे आ गई? हाँ मैं तो हमेशा ही टाइम पे आती हूँ, तू क्या बोल रही है? अच्छा चल। हाँ, अनु अनु सुन, आफ्टर स्कूल ना हम लोग सब पानी पूरी खाने जा रहे हैं, गुप्ता की पानी पूरी। इतना लंबा टाइम हो गया ना खाए, तुमने बोला चलो चलते हैं आज। यार नहीं जा सकती ना। क्यों? तेरे को पता है ना यस्टरडे हम रिया के पार्टी में गए थे, बताए में ना, उसके से मम्मा ने बहुत डांटा, उल्टा झापड़ भी मारा। सच्ची? हाँ। क्यों? लेकिन तूने उनको सच बताया था ना। वही तो, इसीलिए तुम्हारा। अरे मेरी मम्मी को मैंने सच बताया तो वो तो उल्टा खुश थी, झूठ बोले तो मुझे एक लगाई होती वो भी। लेकिन सच बोला तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, पर आगे से मत करना, ऐसे बता के जाना। लकी यार, लेकिन मुझे पानी पूरी मिस ना ही करना। एक प्लान तो है, पहले पानी पूरी खा लेते फिर बातें का बाद में देख लेंगे, ठीक है? चल चलते हैं। हाँ बताओ क्या चल रहा है। मैं भी ठीक हूँ, बहुत दिन से सोच रही थी आपसे मिलूं, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा किया आ गए, चलो आ जाओ अंदर। अच्छा हुआ आ गई तू यार, मैं कब से मिलने का मन कर रहा था मेरा। अरे रोज सोचती हूँ, लेकिन घर के इतने सारे काम होते हैं ना, कभी ये काम वो काम, बिजी हो जाती हूँ। हाँ यार, घर का काम तो कभी खत्म ही नहीं होता है। लेकिन आज तो मैंने आयु को पहले ही बोल दिया सुबह ही कि मैं आज अनु के घर जाऊंगी, तू स्कूल से डायरेक्ट वहीं आना। अच्छा, अब तक तो आ जाना चाहिए था, टाइम क्या हो रहा है? अरे दीदी टेंशन मत लो, आते ही होंगे। लगता है आ गए वो लोग, मैं देख के आती हूँ। हाय मम्मा। हाय आंटी। हाय हाय बेटा। हाय आंटी। हाय बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आर यू बैक? अरे अनु, तुम लोग को इतना लेट कहाँ हो गया? तुम्हारा स्कूल तो 4 बजे छूटता है ना? वो आंटी हम लोग ना आफ्टर स्कूल पार्टी। अरे मम्मा वो क्या है ना, आज है ना वो हमारी जो मैथ्स के सर है ना, उनने आफ्टर स्कूल ना एक्स्ट्रा क्लास रख दिया है ना, तो उसी की वजह से लेट हो गया। हाँ हाँ वही वही। हाँ। अच्छा मैथ का एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन आयु तो कुछ और ही बोल रही है। आयु सच बताओ क्या बात है? वो मम्मा हुआ ये कि हम लोग आफ्टर स्कूल, लंबा टाइम हो गया था पानी पूरी नहीं खाया, तो सोचा थोड़ा पानी पूरी खा लेते गुप्ता के यहाँ, तो इसलिए लेट हो गया। ओ, गुप्ता जी की पानी पूरी मुझे भी बहुत पसंद है। एक काम करेंगे हम कल सब साथ में जाके पानी पूरी खा के आएंगे। ठीक है वहाँ। लेकिन अनु तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मम्मी वो मैं बताती हूँ, वो हम लोग कल रिया की पार्टी से लेट लौटे थे। हाँ कल दोनों ही लेट आए थे, साथ में ही आए थे ना तुम लोग। हाँ लेकिन कल तो तुमने मुझसे सब सच सच बोला था, आज झूठ क्यों बोला? वैसे गलती तो दोनों ने किया था, पर आयु ने घर आने के बाद मुझे सच बताया तो मैंने उससे समझाया बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अनु ने जब आपको सच बताया तो आपने उसको थप्पड़ मारा, तो अनु को लगा कि सच बोलने की सजा यही होती है, इसलिए उसने झूठ बोला आज। वैसे हम पेरेंट्स को लगता है कि हमने उसको थप्पड़ मार दिया, उनको डांट दिया तो वो चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बच्चे वही काम करेंगे लेकिन छुपा के करेंगे, आपको बताएंगे नहीं। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को समझाओ, उनसे दोस्तों की तरफ बात करो, उनसे प्यार से बात करो, आपको सब चीज़ सच बताएंगे। सही कहा तुमने डॉली, मुझे तो आज रियलाइज हुआ मुझे मारना नहीं चाहिए था, बल्कि उसको समझाना चाहिए था। उसने तो मुझसे आके सब सच सच बताया ना, लेकिन मैंने उसको थप्पड़ मारा, बहुत गलत किया। सॉरी मम्मा।
मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना था, मुझे आपको सच बता देना था। इधर आओ। नहीं मम्मा सॉरी तो बोला ना मैंने। अरे इधर तो आओ। सॉरी मम्मा सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, पहले तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद मुझसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलोगी। प्रॉमिस मम्मा प्रॉमिस, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। और मैं भी आज के बाद तुमको कभी भी मारूंगी नहीं, ठीक है? ठीक है मम्मी।